नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, क्या आप भी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा, या फिर अपना पीएफ ऑनलाइन कर रहे हैं जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा? ये सब तो छोड़िए, आप पीएफ का कोई सा भी काम कर लीजिए, चाहे पीएफ ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे पीएफ केवाईसी कर लीजिए, चाहे अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, चाहे पासवर्ड चेंज कर लीजिए, चाहे अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लीजिए, जो ओटीपी है वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे सेंड नहीं किया जा रहा है। मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आ ही नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो रही है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, जो ओटीपी है, ये हम लोगों के मोबाइल फ़ोन पे क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ तो गौर करी होगी, चाहे यूएन एक्टिवेट्स, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप यूएन एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब एक्टिवेट करने जाते हैं, सब कुछ अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और लास्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके वहाँ से तो ओटीपी सेंड कर दिया जाता है, लेकिन मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता। ये एग्जांपल मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव करके दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब देखिए, आपकी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक ये डिस्प्ले आ गई होगी जहाँ मैं अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसे खुल जाने दीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है भाई यूएन एक्टिवेट का, मैंने यूएन एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अब मेरी जो डिटेल्स है वो आ गई कि अपना यूएन नंबर फिल कीजिए, अपना नाम फिल कीजिए, जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कीजिए और कैप्चा फिल कीजिए। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें फिल कर देता हूँ फटाफट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें फिल कर दी। अब देखिए, उसके बाद मैं जैसे कैप्चा फिल किया, नीचे स्लाइड डाउन करता हूँ, इस तरफ बिल्कुल नीचे यहाँ जो ऑप्शन आता है ना सबमिट करने का, ओटीपी सेंड करने का, तो मैं वहाँ ओटीपी सेंड करता हूँ। अब आप देखिए, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो, ओटीपी सेंड यहाँ से तो हो गया है, लिखा हुआ है कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया, और जो कि ओटीपी आईडी भी आ गई, लेकिन जो ओटीपी है वो मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड नहीं किया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियर, ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप तो क्लियर हो गया, मैं आता हूँ वापस। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है यूएन एक्टिवेट वाली, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास दिन में लगभग 100 कॉल्स आ जाते हैं कि भाई यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ तक तो अब बात क्लियर हो गई होगी। अब चाहे आप केवाईसी कर लीजिए, जब भी आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आएगा, चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए, जब भी आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आएगा, ये सभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए हो कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा। ये जो प्रॉब्लम है एक सर्वर की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि पिछली बार देखिए केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही थी लोडिंग वगैरह की, तो हमारा केवाईसी का नया अपडेट आ गया। ठीक है, पासबुक पोर्टल की प्रॉब्लम थी, पासबुक का नया अपडेट आ गया वहाँ पैन वाला। अब देखिए, इसका क्लियर मतलब यह है कि जब जब ईपीएफओ का सर्वर डाउन हुआ है तो उसके कुछ दिनों बाद ईपीएफओ का एक नया अपडेट 100% आया है। अब मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ईपीएफओ ने, मतलब ईपीएफओ जो है वो इस सेक्शन में कोई और अपडेट लाने वाला है, कोई बड़ा अपडेट लाने वाला है। इस वजह से ओटीपी हमारे मोबाइल फ़ोन पे सेंड नहीं किया जा रहा है। वहाँ से ओटीपी आईडी तो बना, जनरेट कर दी जा रही है, लेकिन ओटीपी सेंड नहीं किया जा रहा। जो क्लियर है, एरर नहीं आ रहा कुछ भी, ओटीपी सेंड नहीं किया जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर हो गया होगा कि भाई किस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, जैसे ही मुझे ईपीएफ से रिलेटेड कोई और नई बड़ी अपडेट मिलेगी तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। धन्यवाद दोस्तों।